हेलो, जय श्री राम अंकुश भैया। जय श्री राम। सब बढ़िया सब बढ़िया जी। सब कैसे लग रहा है यात्रा में? ठंडा ठंडा लग रहा है फिलहाल। भाई साउथ से आना, भाई को ठंड लग रही है ना? हाँ ठंड तो लग रही है। अभी लग रही है? अभी नहीं, अभी लग रही होती मैं पत्थर मार रहा था गर्म हो जाता। चलिए हम सब लोग अभी एक साथ बताया। हम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आप डोली के साथ आ रहे हो या डोली के बाद आ रहे हो? हम लोग सोच रहे हैं कि आप लोगों को वहाँ की लेटेस्ट अपडेट और जानकारियाँ दी पाए कि केदारनाथ के ऊपर क्या क्या अपडेट है, बारिश हो रही है यानी स्नोफॉल हो रहा है, सब कुछ डिटेल में अपडेट मिलेगा इस ब्लॉग में। और भाई देख सकते हो कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई है। यात्रा स्टार्ट नहीं हुई फिर भी लोग बहुत सारे जा रहे हैं वहाँ पर गौरीकुंड के लिए। भाई अंकुश भैया जी, मेरी बैग ऊपर जा रही है अभी फिलहाल, मुझसे नहीं हो पा। ओ हो खतरनाक बैग के लिए चक्कर चल रहा है। बैग वो फूल लेके नहीं जाने वाला ना। इतना भार गोरीकुंड में आप लोगों को एक चीज नहीं लगेगी, ये देखिए भाई यहाँ पर बन चुका है। जब जो औरतें हुई थी ना गर्म कुंड में नहाने के लिए, ऐसा ओपन में नहाते थे, लेकिन इस साल देखिए पूरा खचाखच एकदम सेफ्टी से किया गया है। पता है भाई चेहरा क्यों उतरा हुआ है भाई? क्योंकि हमें यहाँ से आगे जाने से रोक दिया गया है। मरने का रास्ता क्यों? खाइए नीचे खाइए तो मरने गए थे आप। हम लोगों ने भंडारे की परमिशन दी, उनके नाम पर लिख के तुम भंडारे के बाहर ही निकलने चाहते थे। जय श्री राम दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है एक और मजेदार वीडियो। कल रात हमने यहाँ पर लगाया हुआ था अपना टेंट और यहीं पर था अपना ठिकाना सोन प्रयाग में। और फिलहाल सब कुछ हम समेट चुके हैं अपना सामान और आज हम निकलने वाले हैं सीधे केदारनाथ के लिए यात्रा के लिए। जब तक डोली वहाँ तक पहुँचेंगे उससे पहले अभी फिलहाल विराजमान है डोली गुप्त काशी में और भैया जी भी तैयार हो चुके हैं और हम जाके गोरीकुंड में स्नान करने वाले हैं फिलहाल। और भाई अगर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आ रही है तो वहाँ पर व्हाट्सअप नंबर भी है, आप लोग उत्तराखंड के ऐप पे आप लोग वहाँ से व्हाट्सअप करके भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई यहाँ पर ऊपर देख सकते हो सोन प्रयाग में खिली खिली धूप कितने शानदार सा निकल रहा है। और अभी यहाँ पर सारे यात्री अपने केदारनाथ की यात्रा शुरू कर रहे हैं और अभी डोली जो है गुप्त काशी में ही है और यहाँ से घोड़ा खच्चर वगैरह सब कुछ केदारनाथ के लिए निकल रहे हैं ताकि वहाँ पर डोली पहुँचने तक सारे तैयारियाँ हो जाए, सारे भंडारा लगा दिया जाए। और यहाँ पर देख सकते हो पुलिस की ड्यूटी भी बहुत ज्यादा लग चुकी है और यहाँ से घोड़े खच्चर भी सीधे गोरीकुंड के लिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं घोड़े खच्चरों के लिए क्योंकि यहाँ से उनको बिना रजिस्ट्रेशन नहीं जाने दिया जाएगा। और जैसे हमें भी हमारा रजिस्ट्रेशन होता है वैसे भी इनका लाइसेंस बनवाना पड़ता है, उसके लिए बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है। आप कम से कम खच्चर यूज किया कीजिए अगर आ रहे हो तो भाई, आराम से बाबा जी के भक्ति में विलीन होकर आप यात्रा शुरू कीजिए। और यहाँ हमारे स्वागत के लिए यहाँ पर तो पक्षी भी आ चुका है उनके, वो हमारे पीछे पीछे ही है सुबह से, जब से हम अपना पैकिंग कर दिया है ना तब से अपने पीछे पीछे ही आ रहा है। आ जा पक्षी तेजो। और हम लोग भी तैयार हो चुके हैं और हम लोग अभी तीन लोग बन चुके हैं, एक अर्षदीप भैया और एक ए के राजपूत भाई, वो भी आ चुके हैं। मैं सोचा नहीं था मैं इतने बड़े बड़े यूट्यूबरों के साथ इस साल घूमूंगा, वो सब बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद है और चमत्कार है जो मैं इस साल उन जैसे लोगों के साथ घूम पा रहा हूँ। अपने बेताल को उठा के मैं चल पड़ा हूँ यात्रा पे। पता है हम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आप डोली के साथ आ रहे हो या डोली के बाद आ रहे हो? हम लोग सोच रहे हैं कि आप लोगों को वहाँ की लेटेस्ट अपडेट और जानकारियाँ दी पाए कि केदारनाथ के ऊपर क्या क्या अपडेट है, बारिश हो रही है यानी स्नोफॉल हो रहा है, सब कुछ डिटेल में अपडेट मिलेगा इस ब्लॉग में आप लोगों को, तो बने रहिएगा। अपने पाजी भी तैयार हो चुके हैं जाने के लिए, जैसे कि रजिस्ट्रेशन देखे वो तो घबरा गए। कितनी बड़ी लाइन है पता है? और ये खच्चर के लिए जो लाइसेंस ले रहे हैं ना, ये इसलिए होता है ताकि घोड़ों को कोई दिक्कत ना हो। और एक आदमी के पीछे दो खच्चर का अवेलेबल रहता है, मानी कि एक आदमी जा रहा है तो उसके पीछे दो खच्चर रहने चाहिए ताकि घोड़े कोई दिक्कत और प्रॉब्लम ना आ पाए। अगर आप गलती से कोई गर्म कपड़े लाना भूल चुके हो तो यहाँ से लेके हुए चलना, क्योंकि भाई अगर यात्रा में आप लोगों को गर्म कपड़े नहीं है तो वहाँ पर दिक्कत आ सकती है, क्योंकि भाई केदारनाथ में वहाँ पर माइनस में चल रहा है तो वहाँ पर आप लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत को फेस करना पड़ सकता है। हेलो, जय श्री राम अंकुश भैया। जय श्री राम। सब बढ़िया सब बढ़िया जी। सब कैसे लग रहा है यात्रा में? ठंडा ठंडा लग रहा है फिलहाल। गर्म तो होगा भाई साउथ से आना, भाई को ठंड लग रही है ना? हाँ ठंड तो लग रही है। अभी लग रही है? अभी नहीं, अभी लग रही होती मैं पत्थर मार रहा था गर्म हो जाता। चलिए हम सब लोग अभी एक साथ मार पकड़ पत्थर।
नहीं। अभी हम यहाँ से सीधे निकलेंगे गोरीकुंड पे, और गोरीकुंड पे जाके स्नान करने वाले हैं सबसे पहले। गरम गरम पानी से सूर खुल जाने हैं सारे के सारे, मेरे तो ज्यादा खुलेंगे। और भाई देख सकते हो कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई है। वैसे यात्रा स्टार्ट नहीं हुई फिर भी लोग बहुत सारे जा रहे हैं वहाँ पर गोरीकुंड के लिए। तो अभी फिलहाल हम तीनों भी वहाँ पर अपने बैग ऊपर रखेंगे और निकल पड़ेंगे। भाई अंकुश भैया जी मेरी बैग ऊपर जा रही है अभी फिलहाल, मुझसे नहीं हो पा। ओ हो खतरनाक, मैं ठीक से रख देता हूँ कहीं गिर ना जाए हमारी बैग। यहाँ पे लंगर भी लगता है ना आशा, और मैं आप लोगों को बता दूँ यही वो जगह है जहाँ पे आपको आते समय 15 मिनट में हम पहुंच गए गोरीकुंड, और यहां से हम केदारनाथ की यात्रा शुरू करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कल का पूरा थकान मिटाने उसके लिए हमें करना पड़ेगा गर्म कुंड में स्नान। तो गर्म कुंड यहीं पर है, जाते हैं और गर्म कुंड में स्नान करते हैं, पूरा अपना थकान मिटाते हैं। कुछ ज्यादा नीचे नहीं उतर दिया कुछ ज्यादा नीचे नहीं उतर दिया नहीं तो वहां पे चढ़ना पड़ेगा। बैग के लिए चक्कर चल रहा है, बैग खुद लेके नहीं जाने वाला ना। भाई यहाँ पर बताओ ना, अंकल और मर्दों से ज्यादा यहाँ पर अंकल आंटियाँ यहाँ पर काम करती है बहुत ही, उनसे भी ज्यादा देख सकते हो क्योंकि पहाड़ी है ना भाई। पहाड़ लोग बहुत ज्यादा बहुत बहुत मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहते हैं यार। ये जैसे कि अभी हमारे प्रदीप भैया बैग ना उनको देने की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनसे भी ये 5 किलो की बैग नहीं उठी जाएगी, लेकिन वो इससे भी ज्यादा 20 किलो का लेके केदारनाथ तक ऊपर चली जाएगी। भाई कहने का है कि पहाड़ी इंसान बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रहते हैं। गोरीकुंड में आप लोगों को एक चीज नहीं लगेगी, ये देखिए भाई यहाँ पर बन चुका है। जब जो औरतें हुई थी ना गर्म कुंड में नहाने के लिए ऐसा ओपन में नहाते थे, लेकिन इस साल देखिए पूरा खचाखच एकदम सेफ्टी से किया गया है, इनकी जो औरतें हैं उनको नहाने के लिए कोई बाहर ओपन में नहाना नहीं पड़ेगा, इतना शानदार सा बन गया है। यहाँ पर कुंड भी तैयार है, लेकिन भाई यहाँ पर हमने सोच रहे थे गर्म कुंड में नहाए, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक सा बदबू है, तो उस बदबू के कारण भाई आज ये सोच रहे कि हम खाना भी नहीं हजम हो पाएगा हम पे। और भाई हम तो यही से ऐसे ही निकल रहे हैं आगे, देखते हैं आगे और कहीं पर अच्छा मिलता है क्या, वहाँ पर स्नान करने की सोच रहे भाई। यहाँ पर तो रहा नहीं जा रहा भाई, ये देखिए इनका भी मूड हालत खराब है, मतलब खुले में शौच कर रहा गलती नहीं है और इतनी ज्यादा पब्लिक है और शौचालय एक ही है, इतनी पब्लिक होने के बाद शौचालय एक ही है और गोविंदा किसी को मारती है शौचालय नहीं मिला सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि ये जिस सेट बनने वाले सब किराए की रेंट के हैं और यहाँ पर शौचालय की आदमी 25-30 हज़ार शौचालय 5 कैसे होएगा। मैं कह रहा हूँ 10,000 आदमी 80-90 हज़ार आदमी यहाँ पर रहते हैं, शौचालय एक ही है। पर तब भी ये फिर मेन गंगा रिवर है ना भैया, यहाँ इसके पास जाके थोड़ा ना शौच कर सकते हैं। आप रोटी खाएंगे पैसे कैसे रुकेंगे, ये सोचिए ना, ऊपर चले गए पहाड़ी कहीं नहीं जा सकते यार, रास्ता ऐसे नहीं है। चलो ठीक है यार, ये हमारा टॉपिक नहीं है, बस आपको बता रहा हूँ बड़ी बैड कंडीशन है वहाँ का। इतना भार पता है भाई चेहरा क्यों उतरा हुआ है भाई, क्योंकि हमें यहाँ से आगे जाने से रोक दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ खच्चर और होटल वालों को जाने दे रहे हैं, क्योंकि यार आगे पता नहीं परमिशन है हमारे पास और वहाँ के भंडारे की भी परमिशन से और रजिस्ट्रेशन की भी परमिशन से, फिर भी नहीं जाने दे रहे और यहाँ पर फिलहाल रोक दिया गया है हमें। वहाँ पर देख सकते हो पुलिस वाले खड़े हुए हैं, वो देखिए बस हम इंतजार कर रहे हैं जैसे ही पुलिस वाले हटे हम आगे निकल जाए, क्योंकि यार पुलिस हर वक्त रुकी नहीं रहेगी ना, कभी ना कभी तो अंदर जाएगी, कभी ना थोड़ी देर के लिए तो वहाँ से हटेगी। हम सोच रहे थोड़े से हटे तो हम फटाक से निकल जाए, ऐसे सोच रहे देखते मरने का क्यों खाइए नीचे खाइए तो मरने गए थे स्टोर रूम बना रहे हैं, स्टोर रूम सामान पैक कर, अच्छा इसीलिए सबके चेहरे उतरे हुए देखते थोड़ा अंदर तो गए अभी देखो गेट पे खड़े यार, बहुत मुश्किल है यार ऐसे निकलना तो। ये हाँ लोगों ने भंडारी परमिशन दिया उनके नाम पर लिख के तुम भंडारे के बाहर ही निकलने चाहते थे। वाह
तो भाई हमने मान चुके हैं हार, क्योंकि भाई बहुत देर इंतजार करने के बाद भी कुछ जुगाड़ नहीं बन पाया, बहुत बातें की हमने फिर भी नहीं बना, क्योंकि वो लोग ना परमिशन मांग रहे हैं, परमिशन स्पेशल परमिशन, अगर वो भी हो तो कुछ ना कुछ बहाना बना रहे, जेरोक्स लेके आओ, उसका प्रिंट आउट लेके आओ, यहाँ पर कौन प्रिंट आउट निकालेगा भाई, गरीबों में सोन प्रैंक में जाके निकालना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन हो तो उनको 10 तारीख को ही अलाउड किया जा रहा है, और जो खच्चर वगैरह है उनको परमिशन के बिना उनको भी नहीं जाने दे रहे, लाइनों लाइन लग रही है रजिस्ट्रेशन के लिए, और यहाँ पर चेकिंग भी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो अभी फिलहाल हम वापस चल रहे हैं, अगर आप लोग भी डोली से पहले ही ऊपर जाके कुछ अपडेट देना चाह रहे थे भाई, आप भी नहीं जा पाओगे, आप कैंसिल कर देना, वहीं कहीं पर जुगाड़ देके रुक लेना, क्योंकि अगर आप गौरीकुंड आओगे यहाँ पर आप लोगों को एक तो झेलना पड़ेगा महंगाई, जहाँ पर खाने पीने की दिक्कत हो सकती है, और एक तो रहने की दिक्कत भी हो सकती है, तो सोच समझ कर आइएगा। और भाई अगर आ रहे हो तो 9 तारीख के बाद ही आना, रजिस्ट्रेशन हो तो ही। पता नहीं भाई यहाँ के जो औरतें रहती है भाई कौन सी चक्की के आटे खाते हैं यार, इतनी भारी भारी भरकम सामान उठा रहे हैं ना, उनसे हमारी ये छोटी सी बैग नहीं उठी जा रही, वो दो अनाज के थैले उठा उठा के जा रहे हैं भाई दौड़ते हुए, भाई मैं तो सर चकरा गया यार देख के, तुमने कभी देखी है ऐसा यार, बहुत स्ट्रांग है यार यहाँ के तो, इतनी इतने वजन लेकर चल रहे हैं। हाँ भैया उनकी चक्की के आटे के बारे में पता करना पड़ेगा, नेपाल में नेपाल में चल रही है तो सही है, इतना स्ट्रांग है ये देखो भाई, कम से कम 50 किलो का कैसे आसानी से उठा रही है भाई, मेरा बैग तो 20 किलो का है, मैं ही उसको इतना जोर से उठाता हूँ, लेकिन इतने आसानी से पहाड़ पे दौड़ते हुए जा रही है चढ़कर। अंकुश भैया अच्छा लगा, गुजराती बन गया है, ओए सब कुछ बन जाता हूँ मैं माहौल के हिसाब से। कैसा लगा अभी आपको? बहुत बढ़िया यार, बुरा 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 मानना नहीं है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, भगवान ने मुझे अच्छा ही सोचा होगा हमारे लिए, इसलिए हम वापस आ रहे हैं। अच्छा हमने तो डोली के दर्शन कर लिए, आपको इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि आपने डोली दर्शन नहीं किए, पॉइंट है यार, भगवान ने जो सोचा ना वाले अच्छे, वो अच्छे के लिए सोचता है। चलिए अब हम वापस बढ़ते हैं, रुको ही गई भाई, जितने स्पीड में 5G की स्पीड में आए थे ना भाई, अभी 6G की स्पीड में हम वापस सोन प्रयाग जाने वाले हैं। हाँ 20 रुपए आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं दे दूंगा, दीवार पड़ेगी सारी नहीं आएगी, मुझसे बड़ा दानवीर कोई नहीं है, बैठ जाओ दानवीर भाई, दर्शन करके वापस आ गए, मजा आ रहा है। लेकिन वैसे भाई हम पहुंच चुके सोन प्रयाग, और देख सकते हो हम जैसे कि कल रात में टेंट लगाया था एक सरकारी दस्तक पर, वहीं पर आके टेंट लगा दिया है, ये रहा मेरा, ये रहा आरती भैया का, ये दो दिन लोग, ये है प्रवीण के दोस्त के, जो कि हमें गोरखपुर में ही प्रवीण मिल चुका था। तो फिलहाल अभी आरती भैया और अंकुश भैया गए हैं फाटा, ताकि वो डोली की दर्शन कर पाए, शाम तक वो लौट जाएंगे, तब तक हमें वो सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर यहाँ पर रख के गए हैं, ताकि उनका सामान का सिक्योरिटी करे, शाम को आते ही देखता हूँ कि मैंने इतना मेहनत से उनकी सिक्योरिटी की है, भाई तनख्वाह तो मिलनी चाहिए कि नहीं, तो उनसे तनख्वाह मांगने की कोशिश करते हैं। तो भाई अभी हम आ चुके हैं जहाँ पर खच्चरों की बुकिंग होती है, भाई हम लोग सोचा कि भाई कुछ ना कुछ पेड़ का जुगाड़ किया जाए, यहाँ पर भंडारा चल रहा है कि नहीं पता किया जाए, अभी देखते हैं यहाँ पर भंडारा चालू हुआ है नहीं, यहाँ पर एक भंडारा दिखा था हमें, जहाँ से गोरीकुंड से हम वापस आ रहे थे ना, तब भंडारा दिखा था, तो सोच रहे थे कि यहाँ पर पूछ ले एक बार, अगर होगा तो हम खा ही लेंगे भाई, बहुत भूख भी लगी है, वैसे दोपहर हो गई है यार, अभी पूछते हैं कहीं भंडारा चालू हुआ कि, क्योंकि ये पहला भंडारा होगा भाई सोन प्रयाग में जो चालू होने जा रहा है। अभी शुरुआत है जी, आज से शुरू हो गया, देखो भाई भंडारा शुरू हो चुका है यहाँ पर, जहाँ पर खच्चर के लिए आपको बुकिंग मिलती है। हाँ जी जी बढ़िया जी बढ़िया, हाँ खा ले चलो, हम भी भंडारा चेक ही लेंगे सोन प्रयाग का पहला, अपने हाथ से जितना चाहे डाल लो और पूरी ले लो खाओ बोल रहे, तो सबसे पहले तो मैं खाऊंगा, बारिश भी आ रही है, बूंदे बूंदे गिर रही है, डालो। वैसे भाई आलू की सब्जी है और पूरी है, मैंने 5 पूरी ले लिए इसलिए बहुत तेज भूख लगी है ना, और ये भाई ने तो शुरुआत भी कर दी, कैसा है आलू की सब्जी? बहुत अच्छी है भाई, भंडारे की भंडारे का प्रसाद इतना अच्छा होता है हमेशा, और क्वांटिटी क्वालिटी दोनों अच्छी होती है, क्योंकि हम फीका खाते है ना। मैं तो चला खाने के लिए, लेकिन हाँ
आरती भाई और अंकुश भाई को जरूर जलाऊंगा क्योंकि वो भी भंडार के आस में बहुत थे, लेकिन वो चले गए सीधे फाटा। खाना तो खा लिया हमने, लेकिन भाई प्रवीण भाई ना ठंडी में गर्मी का चुस्की लेना चाहता है क्योंकि भाई यही तो है ठंड से लड़ने का एक ब्रह्मास्त्र, है कि नहीं? सबसे बड़ा अस्त्र यही तो है ठंड से लड़ने का। जब आप सुनो के आसपास आओगे तो आपको बहुत लगेगा, चाहे एक राहत दे सकती है। मैं शायद केदारनाथ के ऊपर जाके पी सकता हूँ ठंड के कारण। हेमकुंड साहिब में गए हो, वहाँ तो पीना ही पड़ता है। नहीं वहाँ पे नहीं पिया मैंने, नहीं पिया। गजब आदमी है, यहाँ पर पिया लेकिन पिछले साल। कुछ आदतें ऐसी होती है ना, ना चाहते हुए भी करने का नहीं मन होता है, ऐसा ही हूँ मैं, उसको मन करने का मन ही नहीं करते। और भाई एक और चीज़ यहाँ पर इस भंडारे के पास ना आप लोगों को निःशुल्क रहने का भी व्यवस्था है। अगर आप आ रहे हो यहाँ पर भंडारा खा के, फ्री का खा के, फ्री में सो के, फ्री में यहाँ से जा सकते हो चल कर, वरना आपको 50 रुपये दे के यहाँ से भी जा सकते हो। प्रयाग से टैक्सियाँ यहीं पर मिलेगी, लेकिन फिलहाल अंदर से टैक्सियाँ मिल रही है क्योंकि भाई अभी भीड़ भाड़ नहीं है ना। जैसे 10 तारीख से यहाँ से द्वार ओपन होंगे, ये पूरा का पूरा लाइन भरा खचाखच भरा हुआ रहेगा। उस तरफ का रास्ता उसी के लिए बनाया गया है और वो जाने के लिए भाई बहुत भीड़ बढ़ने वाली है 10 तारीख के बाद। भैया कहाँ जा रहे हो? वहाँ से ऊपर चढ़ाई कर रहे हो? हाँ हाँ, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको इसलिए बोल रहा था, वहाँ पर जाने नहीं दे रहे, इसलिए आप जाके फिर। हाँ जी चलिए, और गौरीकुंड जा रहे थे, सही है आपकी भी। भाई अभी फिर से हम आ चुके हैं लंगर खाने के लिए, आरती भैया और उनके कुछ दोस्त जो कि मैं जानता नहीं हूँ उनको, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी चैनल है भाई उनकी भी। खाना खा के वापस लौट गए, लेकिन यहाँ पर देखिए रातों रात यहाँ पर काम शुरुआत हो चुका है जोरदार से। यहाँ पर ये ईंटे लगाई रही है जो कि रोड की तरह यहाँ से ऊपर नहीं पाती, इस तरीके की ईंटे, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, लेकिन रातों रात काम कर रहे हैं क्योंकि ना दिन में ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ जाती है, लोग भी घूमते रहते तो दिन में काम नहीं हो पाता, तो ये लोग रातों रात काम करने के लिए इतनी सारी ईंटे इकट्ठा कर ली है। और सुबह तक शायद लग रहा है कि सारा का सारा काम कम्प्लीट हो जाएगा भाई, ये ऑलरेडी इतना काम कम्प्लीट हो चुका है। चलिए मैं अभी निकलते सीधे ठंड की तरफ क्योंकि भाई ठंड भी बढ़ चुकी है भाई, 8 डिग्री सेल्सियस तक आ चुकी है यहाँ पर अभी सोनप्रयाग में, यार बहुत ठंड है। और ये देखिए कल की हमारी स्वागत के लिए भेड़ बकरियाँ अभी ऊपर जा रही है गौरीकुंड के लिए भाई। हम जहाँ पर जब वहाँ पर जाएंगे ना तो ये मैं मैं करते हुए वहाँ पर ढोल बजाएगी और हमारे स्वागत करेगी। मजाक के हट से भाई पता नहीं किस कारण से जा रही है ये भेड़ बकरियाँ ऊपर गौरीकुंड की तरफ जा रही है फिलहाल। हम भी कल इंतजार करते हैं डोली की जो फाटा से सोनप्रयाग तक पहुँचेगी कल, वो शायद गौरीकुंड भी पहुँच सकती है और वहाँ से हम सीधे चल कल चढ़ाई कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर 9 तारीख को ना डोली जाके केदारनाथ में बसने वाली है, विराजमान होने वाली है। तो आज तो हम जाने पे तो आप लोगों को ये वाला वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट पर, कमेंट में हर हर महादेव लिखना जरूर ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल की डोली की यात्रा पे, हर हर महादेव।